इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे हाजर हजूर खुदाए अल्लाह पाकम
शक करो जे दूसर हो, शक करो जे दूसर हो, अल्लाह पाक पाक है अल्लाह, अल्लाह पाक पाक है अल्लाह, अल्लाह पाक पाक है गुर सिखी दा बोलना हो रहमतों भरे सागर विच्चों कीर्तन राही एक गुरमत दा बड़ा प्यारा जिहा सुनेहा दसरे तुहानू सुनाणगे। दसरियां दे कीर्तन दा विशा है सिख दी बोली ते सिख दा सुभा किहो जिहा होना चाहीदा है, सिख दी बोली ते सिख दा सुभा किदां दा होना चाहीदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने गंड प्रीती मिठे बोल टुट प्रीत गई बुर बोल। जे मिठा बोलिए बिगड़े काम बन जाते ने, ते जे बोलिए कौड़ा बने हुए काम बिगड़ जाते ने। मिठे बोलन नाल प्रीतां डूंगियां हुंदियां ने, कौड़े बोलन दे नाल डूंगियां प्रीतां टुट जांदियां ने। गंड प्रीती मिठे बोल टुट प्रीत गई बुर बोल। गुरसिखी दा बोलना सिख निम्रता विच रहिंदा है ते मिठा बोलदा है। ये दसरियां दे कीर्तन दा विशा है, तुसां मना दी एकाग्रता बख्शनी है। होए मिठ्ठु बोला गुर सिखी दा बोलना,
चले सो देख लिखे ना लेख वो लिखे ना लेख गुरसिखी दा बोलना ओए मिठ बोला सुनियो जी साड़ी बोली ते साड़ा सुभा सतगुरु क्यों जै लोड़ दे नानक फिके बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका डर गे सटिए मुंह थुक्का फिके पाए ओ फिका मूर्ख आखिए जदों तू कौड़ा बोलदा है ना तेरा तन मन भी फिका हो जाता है कई बार आपां चकदे हां ना लवास ते सिखी वाला है सेवा भी बड़ी करदा है कदी जोड़े चाड़दा है कदी झाड़ू फेरदा है कदी कुछ करदा है पर जदों बोलदा है ना सुनन वालियां दे हिरदे साड़ देंदा है ते गुरु महाराज जी की कहंदे ने कहंदे इहदे भीख ती लवास ते ना जाना ये मूर्ख है फिक्का मूर्ख आखी है ए बोल कबोल बोल के लोकां दे दिल दुखांदा है निरंकार दी दरगाह विच इहदे मूंह ते चंडा पैणियां ने ए तुसी बाणी दीआं पंक्तियां सुन रहे हो हां प्यारे हो
जे साडे बोलां नाल किसे दा दिल दुख जांदा है ते गुरु नानक दे घर विच कीती हुई सेवा ते सिमरन थाए कोई नहीं पैंदी। अज जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी बैठे बख्शां कर रहे ने ना, इसे तरह सोना दरबार सजिया सी ते गुरु गोविंद सिंह जी बैठे सन। भावना बनाओ, क्योंकि कीर्तन है ही भावना दा। तुसी भावना बनाओगे ते तुहानू गुरु दे दीदार होणगे, रस आएगा। इन्ने नू एक कलंदर रिश लै के आ गया, महाराज मैं तुहाडी दरबार विच रिश दा तमाशा दिखाणा है। ते सतगुरु कहिंदे दिखाओ भाई। जदों कलंदर ने तमाशा शुरू किया, रिश ने कलावाजियां पाईयां ते संगत देख के बहुत खुश होई। एक सिख महाराज जी नूं चौर पिया चुलांदा सी ते भाई कीर्तिया इहदा नाम है। ये रिश वल देख के खिड़खड़ा के हस रहा है। सतगुरु कहिंदे क्यों भाई कीर्तिया, तू रिश नूं पहचाणिया जे कौन है? महाराज ये रिश ही है, होर इहदी केड़ी पछाण है? सतगुरु कहिंदे नहीं, ए तेरा बापू सोभा राम है। महाराज मेरा बापू मर के रिश बन गया है, उते सारी जिंदगी तुहाडे घर दी सेवा करदा रहा। जे तुहाडे घर विच सेवा करन वालिया ने मर के रिशि बनना है ते फिर सेवा करन दा की फायदा? चौर साहब रखी ते नाराज होके टुर चलिया। गुरु गोविंद सिंह जी कहंदे भाई कीर्तिया रुक जा, साडी भी गल सुन। तेरे बापू ने सारी जिंदगी सेवा कीती है, ओदी सेवा थाए नहीं पई। क्यों? सतगुरु कहंदे ओ कौड़ा बहुत बोलदा सी, बड़ा कौड़ा बोलदा सी। एक दिन इसी तरह दरबार सजिया सी, एक प्यार वाली रूह धन्ना राम बलदा वाला गड्डा लई जांदा सी। उन्हें देखिया दरबार सजिया है ते उन्हें गड्डा बलदा वाला खलारिया ते वह मत्था टेकण आ गया। जदों नमस्कार करके वो तेरे बापू को प्रसाद मंगदा है ते तेरा बापू कौड़े सुभाव मुताबक कहंदा है तू एवें रिश वांग टप्पी जांदा है, तेरे को टिक के नहीं बैठिया जाता। सची प्यारे हो, असीं रोज गुरुद्वारियां च कीर्तन करदे हां, सची यही कुछ हुंदा है। कई बार असी किसी की भावना नहीं देखते, आप सियाने बन जाइदा है। आ किसी का रुमाल भी भुलेखे नाल डिग जाए ना सिर तो, कई प्रेमी इस तरह खिच के उन्हूं बाहर ले जांदे ने, वो मुड़ के गुरुद्वारे आंदा ही कोई नहीं। ओए अकल दी गल ते यह है, अपने बोझे विचों रुमाल कढ ते उहदे सिर दे उपर रख दे। ऐ ते होई ना गुरसिखी, ए केड़ी तेरी अकल होई किसे नूं तोड़ दिता है। दासरे एक वारी मलेशिया विच कीर्तन करन गए, एक नौजवान उत्थे दा उन्हें इस तरह की गल सुनाई। उसने अमृत नवा छकिया सिंह सजिया सी ते इंडिया विच ओ कदे आया नहीं सी। कहिंदा हुण मेरा इंडिया विच जाण नूं दिल कोई नहीं करदा। क्यों? कहन लगा मैं एक अस्थान ते दर्शन करन वास्ते गया, जदों मैं अंदर बढ़िया जिहड़ा पहरेदार बाहर खलोता सी ते मैनू गलमे तो फड़के खिच के बाहर लै आया।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਸ਼ਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛਿਓਂ ਦੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਸੰਗੀਓ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ। ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਅਰੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੋਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਲੇ ਗਏ, ਐਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਟਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੌੜੇ ਸਵਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਰਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਮਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਕੌੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠੂ ਬੋਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣ। ਹੋਏ ਮਿੱਠੂ ਬੋਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਪੋ ਜੀ। ਚਿੱਤ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬਿਗੁੱਚਣਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਣਾਓ ਭਾਵਨਾ, ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ।
ला लिया कंध तू थले, तू किसे आंदे जांदे नूं तकदा नहीं है। महाराज जी दे बस्त्रां ते मिट्टी पा दित्ती है। कई गुस्से विच आके इहदे मूंह ते चंडा मारन लग पए। आ सामने कलगियां वाले घोड़े ते बैठे ने, आवाजा दिंदे ने, क्यों बई क्यों मार दे हो, रुक जाओ। जदों मेरे दाता जी ने आवाज दित्ती रुक गए। जदों इस गरीब ने तकिया गुरु गोविंद सिंह जी खलोते ने, दौड़ा जाता है, मिट्टी नाल लिबड़े हाथ पछां करदा है, ते सतगुरु घोड़े ते बैठे ने, अपना सिर महाराज जी दे चरणा नूं लांदा है। महाराज अनजाने विच भुल होई है, सतगुरु जी मैं देखिया नहीं, मैनू बख्श दियो। हुण ये गुरु ते दिलां दियां जानण वाला है। सतगुरु देखदे ने, इन्हें चंडा भी खादिया ने, इन्हें बोल कबोल भी सुने ने, ना कोई मन विच गुस्सा ते ना कोई चेहरे ते गुस्से दा दाव पाया। हुण तुसी सिख दे दर्शन करो। सतगुरु कहिंदे ना बई तू कोई भुल नहीं कीती, इन्हां तैनू चंडा मारिया ने, मैनू चंगा नहीं लगा, दस उन्हां नू की सजा दईए। उन्हां चंडा मारिया ने तेरे, दस की सजा दईए उन्हां नू। हाथ जोड़दा है महाराज, उन्हां नू कादी सजा देनी। मैं ते उन्हां दे चरणां ते नमस्कार करदा। हुण ए की है बई, इनू कहंदे देख के अंडिठ करना। अरदास विच ते रोज सुनदे हां, पर असी कदों देख के अंडिठ करदे हां। सिख सिख दे पढ़दे ढकदे, अजे सिख ही सिख दी इज्जत खराब करन लई चार पैसे कोलों ला दिंदा है, वह सिख कोई नहीं है। हुण सिख दे दर्शन करियो। उन्हां तैनू चंडा मारियां ने, दस की सजा दईए। महाराज उन्हां नू कादी सजा देनी। मैं ते उन्हां दे चरणां ते नमस्कार करदा, तू उन्हां दे चरणां ते क्यों नमस्कार करदा है। जेड़े बोल सिख ने बोले, भाई वीर सिंह हुरां ने लिखे, उन्हां बोलां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे मन नूं मोह लिया सी। तू क्यों नमस्कार कर दे, हाथ जोड़ दे, ते बैराग विच भिज के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सोहणे मुखारबंद वल तकदा है। कहंदा है कलगियां वालिया, जे मैनू ओ दीवार तो ला के ना चंडा मार दे, तुसी रुकना कोई नहीं सी, तुसी लंघ जाना सी। सतगुरु जी तुसी रुकना थोड़ी सी, तुसी ते लंघ जाना सी। ऐ मेरे दातिया, इस मेरे मुंह ते रोज ही चंडा पैंदियां रहन, तेरे रोज ही दर्शन हुंदे रहन, इस भाव विच कोई सौदा महंगा नहीं है। इन्नी निम्रता, इन्ना प्यार। महाराज तू रोज इंजी घोड़े ते बैठा होवे, मैं रोज दर्शन करा, पैण मेरे मुंह ते चंडा, कोई सौदा महंगा नहीं। अज इहदे बोलां ने महाराज जी नूं मोह लिया है। सतगुरु घोड़े तो उतरे ने, अगां हो के छाती नाल लांदे ने, कहंदे सदके जावां तेरी निम्रता ते, ते बलिहार जावां तेरी रसना ते, किड्डी मिठी है, किन्नी तेरे विच निम्रता है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बोल सुणियो जी, उह कहंदे ए जिहड़ी निम्रता है ना, ए जिहड़ा मिठा बोलना है, ये सारियां चंगियाइयां दा नचोड़ है। जिवें हर एक मां ते प्यो सोचदे ने, साडा बच्चा चंगा बोले, चंगा सुभा होवे,
इस तरह साढ़े गुरु भी इच्छा रखते ने मेरे सिख की बोली ते सुभा चंगा होवे। हुण लख गुणी होवे बंदा जे उनू बोलन दी जाच नहीं ते लोकी प्रवान कोई नहीं करते। मिठा बोलना निम्रता विच रह के चलना ये सारिया चंगियाइयां दा निचोड़ है। सुनियो जी बाणी विचों मिठत नीमी नान का गुण चंगियाइयां तत मिठत नीमी नान का गुण चंगियाइयां तत। सिद्धि धारणा है वीरां नूं भैणां नूं बच्चियां नूं बेनती है जप्यो जी मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत जप लो जी मिठत गुण चंगियाइयां तत मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत कर जाए मेरा सैकित सिंबल रुख सरायरा अत दीर अत मुत ओए जया व्यास कर जाए मेरा सैकित मिठत नीवी गुण चंगियाइयां तत मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत करो कृपा मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत मिठत फल फिके फुल बकबके कम नया वै पत मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत
निवे आपको पर को निवे न कोए तारक राजू को लिए निवे सो गौरा होए मिठत नीमी नानका गुण कनियाइया तक गुण कन्याइया दत्त जप लो मिठक गुण कन्याइया गुण कन्याइया मिठक नीमी नानका सतनाम सतनाम दे वाहे गुरु वाहे गुरु देवी सतनाम 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 दे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सतनाम 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 दे वाहे गुरु वाहे गुरु देवी सतनाम सतनाम वाहे गुरु जी अपराधी दूना निवे जो हंता मिर गाए सीसन वाई क्या थिए चेर देख सुधि जाए मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइया तत बाणी दी पंक्ति सुनिया सतगुरु कहंदे जदों तू मिठा बोलदा है शायद नालो भी मिठा लगदा है पर जदों तू कौड़ा बोलदा है ना तुम्मी तुम्मा बिस अक तदूरा निम फैल आहुन सारिया चीजा किनिया कौड़िया ने कहंदे तू इस तरह लगता है मैनू सच्ची प्यारे हो जदों भी गुरु नानक दे घर आईए बाबा ईश्वर सिंह जी दे बोल प्यार नाल सुनिया जदों भी गुरु नानक दे घर आईए एक एक बचन सोच के बोलिए पता नहीं गुरु नानक के दे हिरदे ते बैठा होवेगा समाधियां लाए बैठे हो ये ते बाणी दी पंक्ति सत है ना भी जिथे कीर्तन होवे उथे गुरु नानक जरूर आंदे ने विच संगत हर प्रभ बसे जियो पता नहीं के दे हिरदे ते बैठा होवेगा कलगीधर चमत्कार दे करता ने एक ऐसी उदाहरण देती है एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने चादर दी बुकल मारी ते लंगर दे अगे खलोते ने पेस बटा के अज तकना ए सिखां दी बोली ते सवा के हो गया है सतगुरां बुकल मारी होई है ते सेवादारां नूं कहिंदे ने प्रशादा छकना है ते सेवादार अगों कहिंदे ने बाबा जदों मर्दी मूंह चुक के आ जांदे हो कोई समां ते तक लिया करो लंगर दा कोई समां हुंदा है आपां भी होले महल्ले ते जां वसाखी ते जाइए ना हुण भी बहुत सारे लंगर लगदे उस वेले भी लगदे सन हुण महाराज जी सोचते ने भी दस इहदी सेवा किहड़े लेखे है पता नहीं सवेर तो शाम तक किन्नियां दे दिल दुखांदा होवेगा अगले लंगर ते चले गए प्रशादा छकना है इहदी
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਕਣਾ ਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਏ ਬਹਿ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਇੰਜ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ ਛਕੇ ਬਗੈਰ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਛੇਤੀ ਮਨਾਓ ਬਈ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਏ, ਕੋਈ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਹ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗੀ? ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੁਣਿਓ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋ ਸੰਬਲ ਥੱਕੀ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸੰਬਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਮ ਜਾਣੇ
चेती कर कर थक गई हां, कोई ओदा एक बोल याद आ जावे जेड़ा उन्हें कौड़ा बोलिया होवे, हो संभल थकी दी मैं थक गई हां चेते करके, कोई बोल याद ही नहीं आंदा, कित्थों याद आवे ओनू कौड़ा बोलना ही नहीं आंदा, ओनू कौड़ा नहीं बोलना आंदा। हां प्यारे हो, कौड़ा बोलन वाले ना रब नू चंगे लगदे ने ते ना जग नू चंगे लगदे ने। किसे दी रसना कौड़ी होवे ना ते लोग चट देनी कह देंदे ने, एवें कामा रौली पाईए क्यों टह टह करी जांदा है। कां नू हर कोई निंददा है, कोयल दी सारे सोभा करदे ने, हुण कां नू सारे निंदी जांदे ने, कोयल दी सारे सोभा करदे ने, है दोनों ही पंछी, हुण कां ने किसे दा की बिगाड़ दिता, कोयल ने किसे दा की सवार दिता है। सतगुरु जी तुसी भी कोयल दी सोभा कर रहे हो, तुसी सानू समझा दे हो, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी कहणगे कोयल दी लोकी तां सोभा करदे ने, ओ मिठा बोल दी है, ओ मिठा बोल दी है, तां जग वालियां नू चंगी लगदी है। हुण कौड़ा बोलण वाले ना रब नू जचण ना जग नू जचण। बाबा नंद सिंह जी दे बोल सुने हुंदे, अज तुसी उन्हां रब्बी रूहां दी याद विच बैठे हो, बाबा नंद सिंह ते बाबा ईश्वर सिंह जी दी याद विच। बाबा नंद सिंह जी की कहंदे ने, कहंदे निम्रता रखण नाल बिपता दा समां टल जांदा है। है दो पंक्तियां बड़ियां ज्ञान भरपूर ने, निम्रता रखण नाल मिठे बोलण नाल बिपता दा समां टल जांदा है। ओ किवें भी, एक बंदा तुहानू माड़ा बोल रहा है, तुसी अगों चुप कर जाओ, सारे ही झगड़े उत्थे ही निबड़ जांदे ने। ओ तुहानू उच्चा बोलदा तुसी होर माड़ा बोलो, नहीं तो निक्कियां निक्कियां गल्लां तक मुकदमे कोर्ट कचहरियां तक चले जाते ने। निम्रता रखण नाल मिठा बोलण नाल बिपता दा समा टल जाता है। अज दे कीर्तन विच्चों आप जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रहमतां भरे सागर विच्चों महाराज जी दा पावन उपदेश सिख दी बोली ते सिख दा सुभा सुनिया है। तुसी बड़े प्यार नाल कीर्तन सुनिया है, श्रद्धा नाल कीर्तन सुनिया है, तुहाडा बहुत धन्नवाद है। आओ 5-7 मिनट तुहाडे होर लैणे ने, फिर आपां समाप्ति करांगे। मैनूं शब्द सुनाउण वास्ते आप संगतां वल्लों हुक्म आया है, तुमरी किरपा ते पयो साध संग इह काज तुम आप कियो। जे इंज भी कह लईए ना भी महाराज जी तुसी साबू वाल पिंड दी संगतां ते आप किरपा कीती ए, ते निदर करके नेड़ेओं दूरों तुसी आप संगत सद लईए, ते आप ही तुसी कारज एक करवा लिया है। सतगुरां दे शुकराने विच इह शब्द, आओ होर 5-7 मिनट दी एकाग्रता बख्शना। ਇਹੀ ਕਾਜ ਤੁਮੇ ਆਪ ਕੀਓ, ਆਪ ਕੀਓ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ, ਇਹ ਕਾਜ ਤੁਮੇ ਆਪ ਕੀਓ, ਆਪ ਕੀਓ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ।
कर कृपा मोहे सतगुर जीना आपियो तुम आपियो तुमरी कृपा ते भयो साध संग एह काज तुम आपियो एह काज तुम आपियो आपियो तुम आपियो एह काज तुम सो कल युग साध संग कीर्तन गाइए नानक नाम अदार हियो एह काज तुम आप पियो आप पियो तुम आप पियो एह काज तुम आप पियो आप पियो तुम आप पियो जय गुरु जी की।
अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय।
जय गुरु जी की। Thank you.